వాక్సినేషన్ పై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై వాక్సిన్లను కేంద్రమే పూర్తిగా పంపిణీ చేస్తుందని ప్రకటించారు ప్రధాని మోడీ. కేంద్రమే వాక్సిన్ ను కొని రాష్ట్రాలకు ఇస్తుందని తెలిపారు. టీకా కోసం రాష్ట్రాలు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా టీకా విషయంలో రాష్ట్రాలు కేంద్రాల మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తున్న తరుణంలో ప్రధాని మోడీ తాజా ప్రకటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी. ये व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी. संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है. 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी. वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है. अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे. सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है. 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी. वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है. अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे. सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है. 21 जून सोमवार से